दूसरों को फेक बोलने वाली रुबीना पर अब खुद फेक होने के इल्जाम लग रहे हैं। किसने लगाए ये इल्जाम और क्या है पूरा मुद्दा, आइए हम आपको फिल्म विंडो में बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ नित्यांशी। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल एंकर नित्यांशी पर फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आज सुबह से ही लाइव फीड में हम देख रहे हैं कि देवोलीना और राखी ने वॉशरूम में जाकर जो बर्तन धोए थे अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, उस वजह से बबाल मचा हुआ है। रुबीना आग बबूला हो रखी हैं और सुबह से ही देवोलीना और राखी के पीछे पड़ी हुई हैं, उन्हें कुछ न कुछ कहे जा रही है। ऐसे में जब राखी के आंसू रुबीना को फेक लगे और उन्होंने कह दिया देवोलीना और राखी से साफ साफ कि देखो अगर तुम्हें काम करना है तो सिर्फ टास्क में दिखाने के लिए काम मत करो, फेक मत लगो, अगर सच में अगर तुम्हें काम करना है तो दिल से काम करो, सच्चाई से काम करो और ठीक से करो, ये सुनकर देवोलीना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें बोल पड़ी कि तुम हमें कैसे जज कर सकती हो, तुम हमें कैसे कह सकती हो कि हम कब काम करें और कैसे काम करें, तुम्हें मतलब होना चाहिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं और वो हम कर रहे हैं। राखी भी जो है इसमें चलती गाड़ी में चढ़ गई और वो भी रुबीना से कहने लगी कि जब तुम आंसू गिराती हो तो वो रियल है और अगर मैं आंसू गिराती हूँ तो वो फेक कैसे, तुम जब भी काम करती हो तो वो दिल से काम करती हो, सच्चाई से काम करती हो और जब हम काम करते हैं तो वो हम टास्क में काम करते हैं, तुम्हारा फेक फेक नहीं तो हमारा फेक क्यों, ये जो सवाल है वो रुबीना पर उठाए जा रहे हैं। और फिलहाल घर में रुबीना की जो दोस्त बनी हुई हैं निक्की, वो भी रुबीना को डिफेंड करने के लिए देवोलीना और राखी पर चढ़ रही हैं। ये झगड़ा इतना आगे बढ़ चुका है कि हर कोई जो है, देवोलीना हो, राखी हो, अर्शी हो, रुबीना हो या निक्की हो, घर की पांचों फीमेल कंटेस्टेंट्स अपने जो शब्दों पर जो कंट्रोल है वो खो चुकी हैं और एक दूसरे को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि रुबीना ने देवोलीना को ये भी कह दिया कि तुम सुबह से कर क्या रही हो, सिर्फ मटर गश्ती कर रही हो, यहाँ से वहाँ घूम रही हो और राखी की सिफारिश करने मेरे पास आई हो कि राखी रो रही है, राखी को ऐसा लग रहा है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो रुबीना और देवोलीना के बीच का जो ये झगड़ा है, जो ये पंगा है, वो हमें नहीं लगता कि ख़त्म होने का नाम लेगा। आप हमें ये बताइए दोस्तों कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है या फिर इसे सिर्फ फुटेज के लिए या TRP के लिए, जैसे कंटेस्टेंट्स खुद कहते हैं, इसे मुद्दा इतना बड़ा बनाया जा रहा है। हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक मैं नित्यांशी लेती हूँ आपसे अलविदा। देखते रहिए फिल्म विंडो।